बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ मेरे चैनल किचन ऑफ पाकिस्तानी व्लॉगर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी लाई हूँ जो बिना अंडे का ऑमलेट बनेगा, तो ज़रूर देखते रहिएगा। बहुत ही लजीज सी रेसिपी है। इसके लिए मैंने 2 कप बेसन का आटा लिया था, 2 छोटे कप, और 1 छोटी सी प्याज जिसको बारीक चॉप कर लिया था, 1 छोटा सा टमाटर और धनिया लिया है 3 टेबलस्पून भर के, और 2 हरी मिर्चें ली है, पतली वाली जो तेज़ वाली होती है ना हरी मिर्चें, वो ली है। अच्छा जी, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्चें नहीं डालिएगा, क्योंकि मज़ीद मैं इसमें लाल मिर्चें भी डालूंगी। लेकिन यकीन मानिए, जब आप इसमें हरी मिर्च डालते हो ना, तो जो अंडे के ऑमलेट में जो जायका देता है ना हरी मिर्च का, ये सेम वैसा ही जायका देता है। एक बार ज़रूर बनाइएगा। सहरी में अमूमन ऐसा वक्त होता है जब हमें अंडा खाने का दिल नहीं करता, तो जब आप ये बनाओगे ना रेसिपी, ये आपको अंडे का एक सेटिस्फेक्शन भी देगा, वो टेस्ट भी देगा, और इसमें अंडे की ज़रूरत भी नहीं होगी, और बहुत ही टेस्टी सी सॉफ्ट ऑमलेट बनने वाली रेसिपी है। अच्छा जी, इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर लिया था, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है, और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया। बस ये तमाम चीज़ को हमें अच्छे से मिक्स करना है बेसन के साथ। बेसन मैंने 2 छोटे से बाउल भर के ना बेसन डाल दिया था, और मैं पूरी रेसिपी लिख भी दूंगी वीडियो में, ताकि आपको और आसानी हो जाए समझने में। अच्छा जी, इसमें मैं 1/2 ग्लास पानी डालूंगी। पानी हमें बिल्कुल भी ना एक साथ नहीं डालना, ज़रा ज़रा करके मिक्स करते जाना है पानी डालना है, ताकि जो बैटर है ना वो अच्छे से बने। अच्छा जी, मैं इसमें आपको एक टिप भी दूंगी, तो अगर आपसे बैटर पतला हो जाता है, जैसे मैंने पूरी ग्लास पानी इसमें डाल दिया तो मुझसे बैटर पतला हो गया, तो अब हमें क्या करना है, अब मैं इसमें बेसन डाल दूंगी 1 टेबलस्पून भर के। बेसन डालने के बाद मैं दोबारा से इसे फेंटूंगी, जैसे हम अंडा फेंटते हैं ना, मैं वैसे इसे फेंटूंगी। फेंटने के बाद ना मैं देखूंगी अगर इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा रनी नहीं होनी चाहिए, जैसे अंडे की कंसिस्टेंसी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए, दूध से थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी, सही। तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने बेसन डाल दिया, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं 2 टेबलस्पून कर दूंगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे कंसिस्टेंसी बेहतरीन लग रही है। इस वक्त आप क्या करें, टेस्ट कर ले इसमें नमक और लाल मिर्च कम लगे आपको, तो आप नमक वगैरह डाल दीजिएगा, बैटर आप टेस्ट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, ये एक और टिप है, कभी भी हम ऑमलेट बनाएं, पराठे बनाएं, कोई भी चीज़ बनाएं ना, तो पहले हम क्या करें, थोड़ा सा ऑयल डाल दें और इसे टिश्यू पेपर से वाइप कर दें। इससे क्या है, हमारा जो नॉनस्टिक पैन है या तवा है ना, वो बहुत अच्छे से ग्रीस हो जाता है, और जो भी चीज़ हम इसमें अभी डालेंगे शैलो फ्राई करने के लिए या फिर ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए, वो कभी भी इसमें चिपकेगा नहीं। अच्छा जी, मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के कुकिंग ऑयल डाल दिया था, और जैसे हम अंडे को फैलाते हैं ना, बस वैसे ही मैं ये बैटर को फैला लूँगी अच्छे से, एकदम से, ना ज़्यादा पतली सी लेयर होनी चाहिए ना ज़्यादा मोटी, जैसे हमारे अंडे का बैटर होता है ना, बस वैसे ही हमें डालना है। हाँ, अगर आप ऊपर से अंडे की तरह इसमें डायरेक्ट डालना चाहते हैं, आप वैसे भी डाल सकते हैं, चम्मच से हमें ज़्यादा आसान होगा, इसलिए मैंने चम्मच यूज़ कर करके किया है। इसमें कुकिंग ऑयल बहुत ही कम यूज़ होता है, तो पहले आप इसमें ना 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून भर के कुकिंग ऑयल डालें, फिर बैटर डालें। बैटर डालने के बाद ऊपर से आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दें, और ओपन फ्लेम में आपने इसे 5 मिनट तक रखना है। तो आप देख सकते हो ऊपर का पूरा लेयर जब ड्राई हो जाता है ना, तब हमें फ्लिप करना है, क्योंकि अगर ड्राई नहीं है, इसका ये मतलब है नीचे से बैटर वेट है, और ये पलटने में आपको मुश्किल होगी, सही। जैसे ही मेरे ऊपर की लेयर ड्राई हो गई, मैंने इसे पलट लिया। पलटने के बाद मैं इसे ढककर मज़ीद 5 मिनट के लिए पकने दूंगी। ऑयल लगा दिया मैंने, अब मैं इसे ढक दूंगी। ऑयल इसीलिए मैंने डाला ताकि दूसरी तरफ, तो ऑयल नहीं है ना, तो दूसरी तरफ से भी वो अच्छे से सीक जाएगा। ढकने का यही मकसद है कि बेसन है ना, वो बहुत अच्छे से ना अंदर से पक जाए। तो आप देख सकते हो मैंने फ़्लिप कर दिया। मज़ीद अगर आपको और क्रिस्पी करना है, तो आप 2-3 मिनट के लिए इसे और क्रिस्पी कर ले। मेरे ख्याल में ये परफेक्ट है, तो बस मैं इसे डिश आउट करूँगी, और डिश आउट करके मैं इसके ऊपर चॉप्ड धनिया जो होता है ना, वो 1/2 टीस्पून भर के चॉप धनिया मैं ऊपर से गार्निश कर दूँगी। गरम गरम पराठा केचप के साथ खाए। मज़े की बात क्या है, मैं इसे आपको खाकर भी दिखा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बना हुआ है ये ऑमलेट,
और ये जो ऑमलेट है ना, जो असली वाला अंडे का ऑमलेट है ना, उसके टक्कर का ऑमलेट है। आप इसे ब्रेड के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं। मैं तो इसे बस ऐसे ही खा रही थी और मुझे जो मज़ा आ रहा था, मेरा तो बस हाथ ही नहीं रुक रहा था, मुझे इतना टेस्टी लग रहा था। सहरी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी रेसिपी। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।